नमस्कार। आज हम बचे हुए कपड़े से पैटर्न और मास्क कैसे बनाया जाता है वो आपको आज हम बताएंगे। मेरा नाम मधु है और घर में लॉकडाउन में कैसे मास्क बनाना है बिना इलास्टिक के वो आज हम आपको बता दे रहे हैं। ये 10 इंच हमने लंबाई का एक पैटर्न बनाना है, 7 इंच चौड़ाई का एक पैटर्न देना है। इसके बाद में इस पैटर्न को डबल फोल्ड करना है और उसके बाद में इसका एक और फोल्ड कर दिया, जैसे इस तरह से इस फोल्ड करने के बाद में ये हमारे जुड़े हुए साइज इस तरफ रहेंगे और इस तरफ। पैटर्न को इस तरह से रखने के बाद 2 इंच का एक निशान देंगे, 1 इंच का इस जुड़े हुए साइज के पास में निशान देंगे। उसके बाद में सेफ पट्टी या हाफ की उससे एक इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद में इस निशान को नीचे तक इस शेप में मिलाएंगे। इसके बाद में इस पैटर्न की कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न तैयार है। इसके बाद में 1 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी इसी तरह की हम एक पैटर्न पट्टी बना लेंगे। ये हमारा मास्क का पैटर्न तैयार है। इसके बाद में इसी पैटर्न के सहायता से कपड़ा रखेंगे और इस तरह से इसको काटेंगे। काटने के बाद में अब आगे का काम, सबसे पहले हम लोग ये इस तरह की इसमें सिलाई लगाएंगे। एक दो दो पीस उठा के इस तरह एक एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में इसका इस तरह से इसमें कट कर देंगे। कट करने के बाद में इस पीस को ओपन करके इसकी सिलाई हम ऐसे लगाएंगे। ये दोनों साइड हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जब हमारी ये दोनों तरफ की सिलाई लग जाएगी फिर हम इसे इस तरह से इसको पलट उलटने के बाद में इसे या तो हम हाथ से इसका प्रेस करेंगे या आयरन से। इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में फिर इसकी हम किनारे पे सिलाई देते हुए ये फैब्रिक मेरा घर का कॉटन का बचा हुआ था इसलिए इसको दोनों तरफ से इसी तरह से हम इसे सिलाई देंगे। सिलाई देने के बाद में जब हम ये सिलाई दे लेंगे उसके बाद में हम ये पट्टी को प्रेस कर लेंगे। इस पट्टी 1 इंच चौड़ी है, ये 20 इंच लंबी है। इसका बीच का सेंटर निकालेंगे और इसका भी हम बीच का सेंटर
निकालेंगे। बीच का सेंटर निकालने के बाद में यह हमें प्रेस से ही इसका बीच का सेंटर निकाल दिया था। इस सेंटर को निकाल के फिर हम एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे। दोनों पट्टियों को इसी तरह से हम सिल लेंगे। इसके बाद में इस पट्टी को सिलने के बाद यहाँ पे इस तरह से इस पट्टी को सिलते हुए इसका पूरा इस तरह से हमारी पट्टी सिलेगी। जब दोनों पट्टियों को हम सिल देंगे ये हमारा इस तरह से मास्क तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।